हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रात ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, रात के बज चुके हैं 8:15 और हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और अभी दोस्तों कपड़ा वपड़ा तैयारी करेंगे। तो हमारा टूर है आज राजस्थान बालाजी मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ की तैयारी है। तो हम जा रहे हैं, आप रात को निकलेंगे यहाँ से 9-10 बजे के आसपास। तो हम इस समय तैयार होते हैं, कपड़े वपड़े मैंने अपने प्रेस कर लिए, एक दो जोड़े कपड़े हो रही है उसको प्रेस करना है। तो दोस्तों नहा धो के तो हम फ्रेश हो ही चुके हैं। तो अभी हमारा डिनर में बन रहा है आलू के गुटके और रोटी। तो दोस्तों अभी हम पहले तैयारी करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अब करते हैं रात के डिनर, 9 बज चुके रात के। अब मैं डिनर कर लेता हूँ, बच्चे लोग बाद में खाएंगे। तो ये देखिए आलू का गुटका और रोटी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं डिनर करके तैयारी कर लेता हूँ, अपने कपड़े वपड़े पैक कर लेता हूँ। दोस्तों हम हो चुके तैयार, रेडी हो चुके एकदम परफेक्ट, पूरी तैयार उड़ार हो चुके हैं। तो दोस्तों बिपिन रावत जी को मैंने कहा कि चल मेरे साथ, ये जा नहीं रहा है तो मैं जा रहा हूँ। और टाइम भी समय 9:30 हो चुके, बाहर उबरान लगी कि बाहर गाड़ी लगी है। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय वासु, बाय, मिलते हैं। नितिन रावत जिम गया है, बाय बाय मैडम जी, हमारे चलाए गए, बाय बाय। अब यार 9-10 बजने वाले, हर गाड़ी आ चुकी है, अब हमारी तैयारी हो रही है। अब जा रहे हैं, बैठ गए गाड़ी सीट में और देखिए बैठ चलते हैं। और मंदा भी हमें मिल गए हैं, और मंदा दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं मुकुंदपुर पे, और ये है मजीस वाले का मेट्रो स्टेशन। अब हम इस समय आज़ादपुर धौलाकुआनी रोड को पकड़ रहे हैं, सीधे गुड़गांव होते जा रहे हैं हम इसमें। और आगे देखिए बहुत ही अच्छा बना रखा है मुकुंदपुर के, घूमने लायक यहाँ पर पार्क, और इसमें पार्क में मूर्ति भी सजाई गई है। ये जा रहा आजमपुर की तरफ, सीधा रोड से जा रहा है। दोस्तों कितना प्यारा लाइटिंग सजाई, देखो इसमें बहुत प्यारा बना हुआ है। अभी देखते हैं, ये इसमें लिखा है दिल्ली दिल वालों की, ये दिल्ली दिल वालों की लिखा दिखेगा गाइस आपको, आई लव दिल्ली। और ये क्या स्टैचू बने हुए हैं सब, इसमें बहुत प्यारा बना रखा है, ये अभी नया नया बना। तो दोस्तों इस समय हम पहुंचने वाले हैं मेपालपुर, और एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रही है उनके हाथ में, आगे सामने की तरफ मेपालपुर। दोस्तों ये देखिए मैं बालपुर रेडिसन ऑटो लाने वाला है आगे की तरफ, ये देखिए मेरे को स्कूटी वगैरह से ले चलो या वैसे चल लो। गुड़गांव में एंट्री हो चुका गाइस, ये सोना वाली रोड है, जयपुर राजस्थान जोड़ने वाली रोड है। इतना प्यारा सुंदर दृश्य रात का नजारा देखिए गाइस। तो दोस्तों ये है बम्बई एक्सप्रेस, और ये है सामने टोल टैक्स, आपको दिख रहा होगा। ये हम दूसरी रोड पे आ गए, जयपुर वाला रोड छोड़ दिया ना, बम्बई एक्सप्रेस पे आ गए। ये देखिए रोड कितनी चौड़ी है, मस्त रोड बना रखी है। ये देखिए दोस्तों रात के 11:30 बज चुके हैं, ये देखिए। ये देखिए मुंबई वाला रोड है, मुंबई को जोड़ता है रोड, बिल्कुल अंधेरा रोड का हाईवे रोड है, बहुत खतरनाक। पहली बार आए थे उसमें से बड़ौदा मुंबई वाला रोड है, दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये देखिएगा देखिएगा दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस से स्वागत है आपका, ये सब चारों तरफ अंदर है, सन्नाटा है। दोस्तों ये
ये रोडों पे जो लगी है ना ये लाइटिंग बिल्कुल जैसे इसमें गाड़ी की लाइट पड़ती है तो पूरा उजाला उजाला दिखाई देता है। ये मुंबई एक्सप्रेस रोड 1224 किलोमीटर यहाँ से मुंबई, सारे लाइट इसकी वो नीचे से चमक मारती थी जैसे गाड़ी की लाइट। 120 की स्पीड है भाई, 120 की स्पीड यहाँ पर कार की है और ट्रक की 100 किलोमीटर है। वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार रोड रैम। दोस्तों इस समय हम अलवर यहाँ से है 50 किलोमीटर दूर और बहुत ही अच्छी रोड है, कहीं भी नीचे उतरने का रास्ता नहीं इसमें, सीधा हाईवे पे हाईवे है सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे। ये देखिए यहाँ से है राजगढ़ 70 किलोमीटर मुंबई, 1144 अलवर 47 किलोमीटर, 47 किलोमीटर आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रोड है दोस्तों इसमें, बहुत ही शानदार रोड, गजब की रोड। ब्रेक कहीं पर ही लग रहा है इसमें, बिल्कुल तेजी से स्पीड पर गाड़ी चल रही है। अब बहुत शॉर्टकट रोड भी है और इधर चारों तरफ जैसे अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, पूरे तरह रोड ही रोड दिख रही है, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। दोस्तों बारिश भी होने लगी है धीरे धीरे, बूंदाबांदी भी बनने लगी है और सीएनजी भी खत्म हो गई, ताकि सीएनजी पेट्रोल हम ढूंढेंगे। पूरा हाईवे है, कहीं पर नीचे उतरने का मिला नहीं है, अरे 100 किलोमीटर चल गए हैं अभी तक नीचे उतरने का रास्ता मिला नहीं है यहाँ पर। तो ये मुंबई एक्सप्रेस बहुत ही हाईवे है, कहीं पर नीचे उतरने का रास्ता है नहीं है, खाने पीने का भी साधन नहीं है इधर। ये बारिश भी धीरे धीरे सीधे पड़ रही है। दोस्तों देखिए तेज़ बारिश होने लगी है, बहुत तेज़ बारिश होने लगी है इधर, अब मस्त मौसम हो गया बाहर का। ये देखिए हाँ हाईवे पर तेज़ बारिश होती हुई और आनंद मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। देखिए बारिश शुरू हो रही है, हाँ हाँ ये देखिए हवा में कैसे उड़ रही है बारिश, ओले पड़ रहे कहाँ पड़ रहे ओले, विश्राम घर तो आ चुके हैं। देखिए खाने पीने का भी इधर, अब गाड़ी लगा दी, देखो गाड़ी लगा, अब बारिश भी हो ही रही है, थोड़ा बहुत बारिश हो ही रही है। तो होटल टैक्सी के ना से है यहाँ पर, देखो पार्किंग कितनी बड़ी बना रखी है और बारिश भी लगातार हो ही रही है, बहुत तेज़ होने लगी है। देखिए बारिश, ये देखिए बारिश का सिटी देख रहे होंगे, ये देखो सामने गाड़ी भी लगी है और हम उधर चुके हैं गाड़ी से, अब जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये रहा तो हमारे पास आ सके इसमें कुल्हड़ वाली चाय, बहुत मस्त होती कुल्हड़ वाली चाय। और देखो कितना भीड़ लगी है यहाँ पर, सब है सबके पास एक एक कुल्हड़ की चाय आएगी। और यादव जी भूख देने लगी आपको यादव जी कुछ बोल रहे थे, और देखो बस अब भूख भूख देने लगी है, कुछ नहीं सब कुल्हड़ चाय पी रहे हैं, आनंद से जरा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। घर से आलू के गुटके खा के आए थे। अच्छा और कुछ? बस ये रोटी, ठीक है। दोस्तों बहुत ही तेज बारिश हो रही है और आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा इतना, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है अलवर की तरफ। ये ठंडी ठंडी हवा लगी हुई है, हवा मजा आने के लिए फाइनली हम गेट पर पहुंच गए तीन मंदिर। ये देखो ये है गेट, अब इसके अंदर घुस रहे हैं, आपकी सलाह आ गए हम बालाजी यात्री मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम। पहुंच गए बालाजी मंदिर पे, ये देखिए सुबह सुबह भीड़ लगने लग गए हैं, पता है अभी तो बंद है इधर। ये देखिए
फाइनली दोस्तों हमें कमरा मिला तो है, पर एसी वाले रूम में पसंद है कितना हो रहा है, तो एसी एसी 10 मिनट हो गए एसी का। गाइस बताए कैसे एसी वाला हंसी भी आ रही है और बड़ा दुख भी हो रहा है। अभी दूसरे कमरे देखने गए फिर एसी वाला मिल ले रहे हैं। तो देखिए अभी ये चला, पंखा ही नहीं चला इसका, काफ़ी देर लगी 10 मिनट से पर हो गया। देखो बस ये कितना हो रहा, बहुत ही ज़्यादा लेकिन चीज हंस रहे हैं। देखिए रहे ये एसी वाले लोग, गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम बालाजी पहुँच चुके हैं, सुबह 6 बजे यहाँ पर दरबार खुलेगा और प्रवेश द्वार सेंटर। तो देखिए दोस्तों अभी तक भी ठंडा नहीं हुआ, बहुत सब गर्मी हो रही। अब दूसरा दिखने गए हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया फोपट, हमें बाहर आना पड़ रहा है, ऐसी काम नहीं करी प्रॉपर। तो ऐसे देखिए बड़े हंसी भी आ रही है बाहर आगे, बाहर ही तो बढ़िया हवा चल रही है फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों फाइनली हमें मिल गया एसी वाला रूम। अब इसमें तो ठंड भी लगने लगी, मैं 2-3 देखे पर कोई काम नहीं कर रही एसी यहाँ पर। तो सुबह के बज चुके 4:15 और देखिए दोस्तों कितना चिल्ड कलर, ठंड लगने लगी अब तो यहाँ पर। और दोस्तों काफ़ी थकान भी हो चुकी है और अभी तक नींद भी आ रही है, मतलब ये है कि सोए भी नहीं है। और यादव जी को तो भूख भी लगी है, यादव जी तो कह रहे हैं मुझे भूख लग गई, ये तो कह रहे हैं मुझे भूख लग गई है। फिर को तो बोला नेक जी था लेट गए हैं, भाई साहब अब चाय की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार तो लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट कर देना और सुबह मिलते हैं आपको फिर जब बालाजी के दर्शन होंगे 6 बजे, तो आरती का टाइम होगा फिर 7 बजे दर्शन के बाद, 7-8 के बीच में दर्शन हो जाते हैं। तो भीड़ भी काफ़ी लग चुकी है वहाँ पर, नंबर भी लग जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।